हेलो गाइस, यू आर गोइंग टू लर्न फॉर फॉरएवर। लर्न फॉर फॉरएवर वेलकम्स यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की ये साइंस की सिक्स्थ वर्कशीट है और ये एट्थ क्लास के लिए है और ये बच्चों वर्कशीट इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है और ये दोनों बच्चों को देखना चाहिए। हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता है, आप दोनों ही भाषाओं को सीखते हैं। तो चलिए इसको पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस आंसर्स को करेंगे। आंसर्स में लिख कर दूंगा आपको, जिससे कि आप आसानी से कर पाएँ और आपकी समझ बढ़ेगी। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम हेयर। यू हैव नोन बाय नाउ दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल। अब तक आपने जाना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। विच वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूव फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन बाई एयर। ये जो इन्फेक्टेड लोगों तक, इन्फेक्टेड लोगों से हेल्दी लोगों के पास पहुँचता है, वो कैसे पहुँचता है? थ्रू एयर, एयर से, वाटर से, ब्रीथ सांस से और कॉन्टैक्ट छुआछूत से। टुडे वी विल लर्न अबाउट डिजीज कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज हम पढ़ेंगे जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं वे कौन सी हैं, इन ह्यूमन एंड एनिमल, मनुष्यों में और एनिमल्स में। इंसानों में हवा, यहाँ से देखिए एयर, वाटर और ब्रेथ से तो फैलते ही हैं ये बीमारियाँ, ये फैलती हैं सारी बीमारियाँ वायरस की वजह से। प्लस अगर एनिमल के कांटेक्ट में, अगर किसी एनिमल को ये वायरस है और उसके कांटेक्ट में इंसान आ जाता है तो भी ये बीमारियाँ फैलती है, जैसे कि मक्खी, मच्छर, कुत्ते, बिल्ली, ठीक है, इनके कांटेक्ट में भी आने से ये बीमारियाँ इंसान को लग जाती है। यहाँ देखिएगा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब इंसानों में, इंसान देख रहे ना, इंसानों में ये जो डिजीज है, बीमारियाँ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से लगती हैं। ये तीन प्रकार की हैं, प्रोटोजुआ जो फंगस टाइप की होती है, बैक्टीरिया और वायरस। तो प्रोटोजुआ से जो होती है वो है मलेरिया, ठीक है, और आगे देखते हैं। प्रोटोजुआ से मलेरिया, बैक्टीरिया से ट्यूबरक्यूलोसिस, कॉलरा एंड टाइफॉइड, ठीक है, ये होती हैं बैक्टीरिया से। ट्यूबरक्यूलोसिस क्या होती है? खांसी की बीमारी होती है। कॉलरा होती है उल्टी दस्त टाइप की, और टाइफॉइड होती है ये एक तरह से शरीर में सूजन हो जाती है ना। दो तरह की होती है, एक सूजन वाली भी, एक पतले वाली भी। वायरस की वजह से जो बीमारियाँ होती है, जैसे पोलियो, मेजल्स, माता तो इसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, मीजल्स भी इसी तरीके का कुछ होता है, दाने दाने से निकलते हैं इस तरीके के, और हेपेटाइटिस ए, ठीक है, ये बीमारियां हैं जो होती हैं इन प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से। ये आपने समझ लिया, आगे देखते हैं या इसको एक बार बेहतर तरीके से समझेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। मेजर्स टू प्रिवेंट डिजीज, मेजर्स मतलब होता है उपाय, और प्रिवेंट मतलब रोकना, और डिजीज को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? कीप योर सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास को साफ रखना, ये इसको हम सही, ये सही बात है, ऐसा करना चाहिए। वी हैव टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। डू नॉट डिफिकेट इन ओपन, खुले में शौच ना जाएं। आज भी लोग बाज नहीं आते हैं गांव में, ऐसा देखने को मिल जाता है। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोएं। Do not allow water to collect around you, अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। Get your children vaccinated on time, अपने बच्चों को समय समय पर टीके लगवाया करें। एक टीकाकरण का प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसका क्या नाम है पता है आपको? इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। चलिए अगला है, कीप आ नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग, जब खांसते हैं, छींकते हैं तो उस टाइम पे अपने अपने पास रुमाल, नैपकिन रखिए, अपने आप को ढकिए उससे, जिससे कि ये जो वायरस है, कीटाणु है, ये फैले नहीं। अगला एक इम्पोर्टेंट नोट है, देखिएगा, एंथ्राक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज,
जो एंथ्राक्स नाम की एक डिजीज है वो डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। किस में होती है? ह्यूमन और केटल्स यानी कि मवेशियों में, जो पशु हम पालते हैं ना उनमें। कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, जिस बैक्टीरिया से ये होती है उसका नाम है कॉल्ड बेसिलस एंथ्रासिस, विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट कोच, जिसको रॉबर्ट कोच ने ढूंढा था। और इस वायरस का नाम है बेसिलस एंथ्रासिस। इससे जो रोग होता है कौन सा रोग होता है, इस रोग का नाम है, ये देखिए यहाँ पे एंथ्रैक्स। होता किस में है? ये होता है ह्यूमन में और कैटल मतलब मवेशियों में। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अगला ये देखते हैं आगे। चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करना है, मैच करेंगे फॉलोइंग्स को। तो मैच में देखेंगे हम कि कॉलम ए में क्या लिखा हुआ है, बी में क्या लिखा है, उसी हिसाब से मैचिंग करनी है। तो बैक्टीरिया से क्या होता है वो बताना है। लैक्टोबेसिलस वाला सबसे आसान है, ये दही जमाने का काम आता है, सेटलिंग ऑफ कर्ड ये हम कर लेंगे। उसके बाद ईस्ट क्या होता है, ब्रेड बनाने में, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, मेकिंग ऑफ ब्रेड, बेकिंग ऑफ ब्रेड कर लेंगे। वायरस क्या करता है, कॉजिंग चिकन पॉक्स, ठीक है इस तरीके से करिए। और प्रोटोजोआ क्या करता है, मलेरिया, कॉजिंग मलेरिया, ठीक है। और बैक्टीरिया से होता है कॉलरा, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। आगे देखते हैं बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आगे देखते हैं एक चीज, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर मैं लिख कर दूंगा जिससे कि आप आसानी से कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राइट एनी टू वेज टू प्रिवेंट मलेरिया, कोई भी दो तरीके बताइए जिससे कि मलेरिया को हम रोक सकें, प्रिवेंट कर सकें। तो इसका आंसर बच्चों आप इस तरीके से लिखेंगे, टू प्रिवेंट मलेरिया दिस कुड बी द इम्पोर्टेंट स्टेप्स, दीज कर दीजिएगा यहाँ पर। पहला है इंश्योर देयर इज नो वाटर लॉगिंग और स्टोरेज ऑफ वाटर इन ओपन इन आवर हाउस और इन आवर एरिया, मतलब हमें इस बात को ध्यान रखना है, सुनिश्चित करना है कि हमारे घर में या हमारे आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है नेम एनी थ्री डिजीज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस इन ह्यूमन। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखिएगा, नेम ऑफ द थ्री डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस आर, फर्स्ट हो जाएगा वायरस से पोलियो, हेपेटाइटिस ए, चिकन पॉक्स। और सेकंड टू में आएगा बैक्टीरिया से कोलरा और टाइफॉइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं तीसरा, चौथा, नेम अ डिजीज दैट इज फाउंड बोथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, उस डिजीज का नाम बताइए जो दोनों में पाई जाती है, ह्यूमंस में और एनिमल्स में। तो वह कौन सी डिजीज है बच्चों, आपको पता है? आंसर ऐसे लिखिए, द एंथ्राक्स नेम्ड डिजीज इज फाउंड बोथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इट इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया नेम्ड बेसिलस एंथ्रासिस। तो एंथ्रेक्स नाम का जो डिजीज है ये दोनों में, इंसानों में और जानवरों में होता है, और यह बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है बेसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। कौन सी बीमारी? एंथ्रेक्स, इंसान में और जानवर दोनों में। वायरस का नाम बेसिलस एंथ्रासिस, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए कि होल वर्ल्ड, फिफ्थ नंबर, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ पेंडेमिक, पेंडेमिक होता है बच्चों महामारी जो विश्व स्तर पर फैले, ठीक है। पेंडेमिक नाउडेज, आजकल, नेम द पेंडेमिक, उस पेंडेमिक का नाम बताइए, एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि वायरस का नाम बताइए बाय विच इट इज स्प्रेड, जिस वायरस की वजह से फैला है, एंड मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट इट, और इसको इससे बचने के उपाय बताइए। तो एक तो नीचे लिखा ही है, देख रहे हैं आप,
बाकी इसको समझते हैं। इसका आंसर ऐसे लिखिए, यस इट इज क्वाइट चैलेंजिंग एंड वरीसम दैट वी हैव बीन फेसिंग अ पेंडेमिक नाउडेज। इट्स नेम्ड एज COVID-19 एंड स्प्रेडेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस कॉल्ड SARS। आगे लिखिए, द मेजर्स वी नीड टू टेक टू प्रिवेंट इट और स्टॉप इट इज अवॉइड गोइंग आउटसाइड व्हेन देयर इज नो नेसेसिटी, वियरिंग मास्क ऑल द टाइम व्हेन वन इज आउटसाइड, वॉशिंग आउट हैंड्स आफ्टर टचिंग एनीथिंग और यूजिंग सैनिटाइजर टू सैनिटाइज और हैंड्स। सो इस तरीके से बच्चों हम ये मेजर्स अपना कर इस बीमारी से बच सकते हैं। और यह भी इस बीमारी का नाम COVID-19 है, यह SARS नामक बीमारी से फैली है और बहुत डेंजरस है, क्योंकि इलाज तो हो जा रहा है, इसकी अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और बहुत बड़े तादाद पर लोगों को बीमार करता है ये। सो आई होप गाइज यू विल अंडरस्टैंड बेटर विद मी हेयर इन दिस वीडियो एंड गाइज आई वुड लाइक टू request you to please subscribe the channel, like the video and share it if possible to your possible groups. So thanks for now, stay safe.